आज मैं बनाऊंगी एकादशी की व्रत थाली। ये फास्ट फूड है, फास्ट में खाया जाता है। तो इसके लिए हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं साबूदाना, उबला हुआ आलू, मूंगफली, कुट्टू का आटा, सेंधा नमक। हम थाली में बनाएंगे साबूदाना की खीर, कुट्टू के आटे और आलू की पकौड़ी, और चटनी बनाएंगे धनिया पुदीने की और साबूदाना की खिचड़ी। मैं पूरी कुट्टू के आटे की पूरी और आलू की सब्जी मैं इसमें नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो रेसिपी फास्ट फूड के नाम से शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे साबूदाना की खीर। साबूदाना की खीर के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी साबूदाना, आधा लीटर दूध, थोड़ा गुड़ लिया है और मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मिक्स ड्राई फ्रूट्स ये जो है, मैंने बादाम को छील लिया था और उसको दो हिस्सों में काट लिया। ऐसे ही मैंने काजू भी किया है, काजू को भी ऐसे ही किया है। और थोड़े से मैंने लिए हैं अखरोट और थोड़े से किशमिश, सबको मिक्स कर लिया है। साबूदाना को आपको क्या करना है, इसको पहले भिगो लेना है अच्छे से, देखिए ऐसे, और इसको सुखा लेना है भिगो के, छन्नी में अच्छे से छान के आपको इसको थोड़ी देर 10 मिनट तक थोड़ा सुखा दीजिएगा। जब भी आप साबूदाना का खीर बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो साबूदाना को हमेशा सोख करके सुखाइएगा, तब ये बहुत अच्छा बनता है। अब हम क्या करेंगे, इस आधे लीटर दूध में ये हम साबूदाना डाल देंगे और अब हम इसे गैस में चढ़ा देंगे और उबलने देंगे। दूध को मैंने पहले एक बॉईल दे दिया था, और हो सके आप जब भी व्रत के लिए खीर बनाएं गाय का दूध ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये प्रसाद में भी चढ़ता है। तो अब इसे हम उबलने देंगे अच्छे से। जैसे ही हमारी खीर उबलने लगे, हमने क्या करना है, गैस की फ्लेम को एकदम कम कर देना है, और उसी के साथ हम डालेंगे, मैंने ये 4 छोटी इलायची ली है जिसको मैंने थोड़ा कूट लिया है, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको खीर के साथ, इलायची को जितनी जल्दी आप डाल दें उसका फ्लेवर उतना अच्छा आता है, तो मैंने पहले ही इलायची डाल दी है जिससे ये पूरा फ्लेवर ले ले खीर में। इसको भी, इलायची को भी अच्छे से इसके साथ पकने देंगे और गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे। अब जब तक हमारी खीर उबल रही है, पक रही है, तब तक हम अपनी चटनी बना लेंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने लिए है धनिया के पत्ते और थोड़े पुदीने के पत्ते। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और रफली चॉप भी कर लिया है, पुदीना और धनिया। थोड़ी सी लिए हरी मिर्च, ये आप अपने स्पाइस के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा मिर्चा डाल सकते हैं। एक पूरा नींबू लिया है, जीरा और सेंधा नमक। अब इस सबको हम अपने मिक्सी ग्राइंडर में डाल देंगे। मैंने सारे इंग्रेडिएंट मिक्सी जार में डाल दिए हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे, अच्छे से चटनी को पीस लेंगे। देखिए हमारी खीर उबल रही है, और ये उबल के देखिए कितना कम हो गई है इसका दूध। हमें ऐसे ही इसको पकाना है, ये बस 2-3 मिनट हमें और पकाना है और ये पक जाएगी। हमेशा जब भी खीर पकाएं साबूदाना ज़रूर पहले भिगो लें। जब आप, अगर साबूदाना पहले नहीं भिगोएंगे और दूध के साथ पकाएंगे इसको, तो वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं करेगा और बहुत टाइम भी लगेगा। तो ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है इस तरह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी चटनी भी रेडी हो चुकी है। हमारी पुदीना धनिया की चटनी भी रेडी है। जब हमारी खीर इस तरह हो जाए, हमारा दूध थोड़ा कम हो जाए बिल्कुल, तो अब हमने क्या करना है, इसमें मैं ये गुड़ का पाउडर है इसको मिलाऊंगी। इससे थोड़ा हमारा कलर चेंज हो जाएगा बट टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। और हम फास्ट के लिए खा रहे हैं तो गुड़ यूज़ करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। अब क्या करना है, हमने जो ड्राई फ्रूट्स करे थे वो भी हम डाल देंगे और इसको थोड़ा सा
पकने देंगे। आप टेस्ट, आप चीनी डाल सकते हैं, अगर आप गुड़ नहीं पसंद करते तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारी गुड़ को हम थोड़ा पकने देंगे। हमारी साबूदाना की खीर बनके तैयार है। थोड़ा गुड़ से इसका कलर थोड़ा वाइट से चेंज हो चुका है, थोड़ा ब्राउनिश हो गई है, हमने ड्राई फ्रूट्स भी मिला दिए। अगर आपको थोड़ा और पतला करना है तो आप इसको इसमें दूध और डाल सकते हैं। मैंने इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखी है, थोड़ी थिक। अब हम तीसरी रेसिपी शुरू करते हैं। साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए हमने लिया है 1 बॉल साबूदाना, जीरा, 3 से 4 हरी मिर्च, हरा धनिया, मूंगफली, टमाटर, और ये मैंने कच्चे आलू लिए हैं, कच्चे 2 आलू लिए हैं छोटे साइज़ के, उसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, और सेंधा नमक। अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाता है हम इसमें डालेंगे जीरा, जैसे थोड़ा जीरा भुन जाए हम अपने आलू डालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे आलू कच्चे हैं तो हम इनको थोड़ा फ्राई करेंगे सबसे पहले। जैसे ही हमारे आलू थोड़े से हाफ फ्राई हो जाएं तो हम इसमें डालेंगे अपनी थोड़ी सी मूंगफली। इसको भी फ्राई कर लेंगे इसके साथ, आलूओं के साथ। जब ये दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी हम थोड़ा सा तेल इसमें से निकाल देंगे, सिर्फ हम फ्राई करने के लिए ये तेल हमने इसमें डाला है। मैंने इसमें से तेल निकाल दिया है। अब इसमें मैं टमाटर डालूंगी। ये मैंने 2 छोटे टमाटर लिए थे, इनको मैंने डाला है। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी जो हरी मिर्चा हमने काटी थी, वो भी इसमें डाल देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम नमक डालेंगे जिससे हमारे टमाटर थोड़े गल जाएं। अपने सेंधा नमक डालेंगे। टमाटर थोड़ा फ्राई कर लेंगे। साबूदाना हमारा ऑलरेडी भीगा हुआ है तो वो भी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि एकादशी में पीली चीज़ नहीं खाई जाती है, क्योंकि वो विष्णु जी को पसंद होती है तो वो सिर्फ चढ़ाई जाती है, खाई नहीं जाती है, तो हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं। जब हमारे आलू थोड़े पक जाएं और हमारा टमाटर पूरी तरह से फ्राई हो जाए तब हम इसमें साबूदाना डालेंगे। आलू को आप ऐसे ऐसे तोड़ के चेक कर सकते हैं कि ये पका है कि नहीं। अभी थोड़ा पकना बाकी है तो अभी हम इसे पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। अब आलू हमारे पक गए हैं, अब हम क्या करेंगे, इसमें साबूदाना डालेंगे। हमने साबूदाना डाल दिया है, अब हम इसको मिला लेंगे आराम से। ये बहुत जल्दी पक जाएगा क्योंकि ये भीग के मैंने सुखा लिया था। देखिए इसके दाने कैसे पहले ही मैश हो रहे हैं।
तो ये बहुत जल्दी पक जाएगा, हमारी खिचड़ी बन जाएगी जल्दी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी खिचड़ी भी बनके तैयार है। इसको आप दही के साथ खा सकते हैं, जो हमने चटनी बनाई है उसके साथ खा सकते हैं। ये सात्विक होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो इसको, ये भी रेडी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने धनिया काटा था उसको डालेंगे। इसको भी मिक्स कर लें। हमारी साबूदाना की खिचड़ी रेडी है। धनिया भी हमने इसमें मिला दिया, ये भी बन के तैयार है। देखिए, हमेशा दाना आप हाथ से छू के चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से पक गई है। बस अब हम गैस बंद कर देंगे और अपनी आगे वाली रेसिपी शुरू करेंगे। अब हम बनाएंगे कुट्टू और आलू के पकौड़े। उसके लिए मैंने लिया है एक बड़ी कटोरी कुट्टू का आटा, और आलू लिए हैं 5 से 6 आलू लिए हैं, साबूदाना लिया है 1 कटोरी, और मैंने हरी मिर्चा ली है जिसको मैंने पतला पतला काट लिया है छोटा छोटा, हरा धनिया लिया है, और नींबू लिया है 1, और नमक। अब हम क्या करेंगे, सारे चीज़ों को मिला लेंगे। आलू को हमने ऐसे रफली मैश करना है, हाथ की मदद से, मैशर से मत करिएगा। इसको ऐसे रफली थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हमने मैश करना है। मैंने सारे कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुट्टू का आटा, साबूदाना डालेंगे, धनिया और हरी मिर्च जो मैंने काटी थी वो भी डाल देंगे, अब डालेंगे नमक, सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं। अब डालेंगे इसमें हम नींबू, अब हम हाथ की मदद से ये सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, अच्छे से हम हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करिएगा। थोड़ा और पानी डालेंगे। अगर बाय चांस आपका गीला भी हो जाता है थोड़ा सा, तो आप कुट्टू का आटा थोड़ा और डाल लीजिएगा इसमें। बस हमें इतना ही रखना है इसको, और इसके छोटे छोटे ऐसे करके हमें हाथों की मदद से ही तेल में डालना है। हमारा मसाला रेडी है। अब हम इसको तलेंगे, इसके पकौड़े बना के। अगर आप अपने पकौड़े थोड़े क्रंची चाहते हैं तो आप इसमें कुट्टू का आटा थोड़ा ज़्यादा मिलाइएगा, अगर आपको थोड़े क्रिस्पी पकौड़े पसंद हैं तो। मैंने छोटा सा टुकड़ा डाल के देखा था कि हमारा तेल गर्म हो गया है कि नहीं। हमारा तेल अब गर्म हो गया है। अब हम इसके छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना के हाथ की मदद से ऐसे डालेंगे। इस समय आप अपनी फ्लेम मीडियम पे रखिएगा, हाई मत रखिएगा। हमने अपने पकौड़े डाल दिए हैं, अब इसको हम पकने देंगे थोड़ा। देखिए, हमारे पकौड़े रेडी हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं पूरे अच्छे से। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। और इसको दही के साथ, चटनी के साथ
एंजॉय करें। देखिए हमारे पकौड़े बन गए हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और दूसरे पकौड़े डाल देंगे। देखिए हमारा पहला सेट पकौड़ों का तैयार है। देखिए कितने क्रंची हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। ऐसे ही अब हम दूसरे बना लेंगे। ये देखिए अब हम दूसरा सेट बनाएंगे पकौड़ों का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम हाथों की मदद से दूसरे पकौड़े भी डाल लेंगे। गैस बिल्कुल आप कम रखिएगा इस वक्त पकौड़े डालते समय। हमने अपना दूसरा सेट भी डाल दिया पकौड़ों का, वो भी फ्राई हो रहे हैं। अब हम मीडियम पे फ्लेम कर देंगे अपनी और इनको पकने देंगे, फ्राई होने देंगे अच्छे से। इन पकौड़ों में आपने इनको हिलाना नहीं है, ये अपने आप ऑयल छोड़ देंगे और ऊपर आ जाएंगे। अभी देखिए मैंने इनको हिलाया नहीं है, ये देखिए ये अपने आप ही ऊपर आ गए। तो आप जब ये कच्चे होंगे, जैसे आप डालते हैं, हम नॉर्मल पकौड़ों को पलटते हैं, आपको नहीं करना है, पहले इनको ऊपर आने देना है। ये ऐसे जब ये ऊपर आ जाए तब आप इनको पलटिए, फ्लिप करिए और इसको छोटे साइज़ के ही बनाइएगा, तभी ये अच्छे बनेंगे, क्रंची बनेंगे। देखिए हमारे पकौड़ों को मैंने पलट दिया है, अब इनको मैं पकने दे रही हूँ, दूसरी तरफ से भी फ्राई होने दे रही हूँ, इसको थोड़ा क्रंची कर रही हूँ। ये पकौड़े भी हमारे बनके रेडी हो गए हैं, अब इसको भी हम निकाल लेंगे। हमारे एकादशी व्रत के खाने की थाली रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बनी है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, साबूदाना जो होता है, इसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट साबूदाना है, तो साबूदाना को आप हमेशा भिगो लीजिए। जब वो पूरी तरह से भीग जाए तो उसका पानी अच्छे से निकाल लीजिए और उसे थोड़ी देर ड्राई होने दीजिए, तभी ये जो रेसिपी हमारी बनी है इतनी अच्छी तभी बनेगी, नहीं तो साबूदाना चिपकने लगता है। आपने देखा होगा खिचड़ी में भी हमारा साबूदाना नहीं चिपका और पकौड़ों में भी फ्राई हुआ है अच्छे से, तो ये आप ज़रूर कर लें। ये सारी रेसिपीज़ बहुत टेस्टी हैं, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सबको एकादशी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।